इस वीडियो में ब्रह्मांड के क्रिएशन के बारे में बताया गया है, सो प्लीज़ अपने जानू बाबू से दूरी बनाए रखें। इस लॉकडाउन में 95% ट्रैफिक फोन साइट पर बढ़ गया है, तो इसे कम करें, रामायण और महाभारत देखें। दौड़ती भागती इस प्यारी सी दुनिया में क्या आपने कभी सोचा है, इस विशालकाय ब्रह्मांड को जो हमारी सोच से भी परे है, इसे किसने बनाया होगा? इसमें अरबों खरबों तारे, करोड़ों गैलेक्सी, हमारी प्यारी सी धरती, ये चाँद, इतने सारे ग्रह और धरती पे ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स ये सूरज। 1927 में जॉर्ज लेमेत्री ने बताया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और एक ठंडा होता जा रहा है। एक समय में यह बेहद छोटे से बिंदु में रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा गर्म। सन 1929 में एडविन हमल ने दो तारों के बीच में उनकी दूरियों का गणना करके यह बता दिया कि हमारे ब्रह्मांड का साइज बढ़ रहा है। सर स्टीफन हॉकिंग, इनकी डेथ रिसेंटली 2018 में हो गई, इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। 13.7 बिलियन ईयर पहले, जब ब्रह्मांड में फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता था, समय का कोई अस्तित्व नहीं था, एक बेहद गर्म और हाई डेंसिटी वाले परमाणु के गोले से आज की हमारी ये दुनिया अस्तित्व में आने वाली थी। अचानक किसी रहस्यमय कारण की वजह से इसमें विस्फोट हो गया, इसे कहते हैं बिग बैंग। तुरंत बाद ब्रह्मांड का टेम्परेचर 10^40 केल्विन हो गया और लगभग 10^-36 सेकेंड के अंदर ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलने लगा। यह एनर्जी ब्रह्मांड में चारों तरफ करोड़ों वर्षों तक फैलती रही और धीरे धीरे ठंडी होने लगी और उसके अंदर कुछ रिएक्शन शुरू हो गए। मैटर के रूप में सबसे पहले क्वार्क, एंटी क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अस्तित्व में आए। ब्रह्मांड के और ठंडा होने के बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। ये हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलकर एटॉमिक क्लाउड बनाने लगे। अब एक फोर्स काम करने लगा, वो था ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन आपस में कंप्रेस होने लगे और वहाँ का टेम्परेचर लाखों करोड़ों डिग्री तक पहुँच गया। इस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई और ब्रह्मांड को अपना पहला तारा मिल गया। अब सब कुछ बदलने वाला था। ग्रेविटी के कारण हमारे ब्रह्मांड में इसी प्रकार सैकड़ों हजारों तारों का फॉर्मेशन हुआ। अब बहुत से तारे एक ग्रुप में रहने लगे और इस तरह से गैलेक्सी अस्तित्व में आई। इन अरबों खरबों गैलेक्सियों के बीच एक गैलेक्सी हमारी भी थी, मिल्की वे। अब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन आपस में कंप्रेस होने लगे और न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई और इस तरह से हमारे सूरज का जन्म हुआ। अब सूरज की ग्रेविटी के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स, गैस, चट्टाने आपस में जुड़ने लगी और इस तरह से धीरे धीरे हमारे सारे ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ। सूरज से निकलने वाली सोलर विंड से बाकी छोटे छोटे पार्टिकल्स गैलेक्सी से बाहर चले गए। बाकी जो साइज में बड़े थे वो गैलेक्सी के अंदर रह गए और इस तरह से हमारे गैलेक्सी का निर्माण हुआ। कुछ समय बाद एक कॉमेट हमारी पृथ्वी से टकराया और हमारी पृथ्वी के कुछ हिस्से अंतरिक्ष में बिखर गए और ये आपस में मिलकर चांद का निर्माण किया। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हमारे ये 8 ग्रहों के साथ हमारा आज का इस सौरमंडल अस्तित्व में आया। और मम्मी पापा की गलतियों के कारण हम जैसे लोग इस दुनिया में हैं। हे गाइस, ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करना, पर कमेंट ज़रूर करना। और हो सके तो यार प्लीज़ गर्लफ्रेंड से मत मिलना, क्योंकि आपको पता है ना अभी क्या चल रहा है इंडिया में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।